Hey guys, welcome to Academy and welcome to this very special class on Logical Reasoning Marathon. आज की इस Logical Reasoning Marathon में क्या खास होने वाला है, आज हम क्या करने वाले हैं, what exactly are we going to do? सबसे पहले तो a very good afternoon to all of you, a very warm good afternoon guys, and a happy Tuesday to all of you. तो देखो, आज की Logical Reasoning Marathon में हम करेंगे mixed practice, यानी कि डेढ़ घंटे की इस क्लास में ना, ये कोई 60 मिनट की क्लास नहीं है, मैराथन है, बहुत स्पीड में चलेगी, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे होंगे डेफिनेटली. एंड सेकेंडली, the total number of questions that we are going to do is going to be slightly higher. Secondly, the concepts are going to be so many that you are not able to understand ki ek specific concept se koi question aa raha hai kya, to bilkul aisa nahi hoga. And you will not be asked a question from a specific topic. Aapko question kahin se bhi kisi bhi topic se puche ja sakte hain. So it will be your job to identify ki yaar ye jo question aa gaya hai ye kaun se topic se aa gaya hai. Theek hai, are you guys ready for this class? I am very excited for this class, dosto. विनर क्या सरप्राइज यार, विनर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है यहाँ पर हमारी क्लास में भी, है ना? यस, स्टार्ट करें. आर यू गाइस रेडी फॉर द क्लास? ओके, हियर कम द फर्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन. ओके, मैं उसकी तारीफ कर दूं. ये भी गो, हियर कम्स द क्वेश्चन. ओके, 62% पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जयशिव, उन्मेष, हिमांश, ध्रुविश, जया, ऋतिक, मानस, जानवी, नम्रता एंड सारा. तो आज की क्लास में देखते हैं कि कौन आखिरी तक टिक पाता है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग 90 मिनट्स तक क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हो, तो ये सवाल है ना. और दूसरा ये सवाल है कि अगर आप 90 मिनट तक क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हो तो कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे. ये दोनों सवालों के जवाब आज हमको इस क्लास के एंड तक मिल जाएंगे. ट्रेडिशनली the public bus system has been subsidized by the state government because the revenue from the ticket sales is not sufficient to cover operating costs. The governor's plan proposes to cut financial support of the system. तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं. सबसे पहले subsidized. इस शब्द का मतलब क्या होता है? What is the meaning of subsidy? Subsidy का मतलब होता है कि आपने किसी इंसान को थोड़ा सा financial support दे दिया. ठीक है? अब क्या हुआ कि एक बार हमारी क्लास में ऋतिक है, ऋतिक का एक बेटा हुआ राकेश. ठीक है, तो राकेश ने सोचा कि वो एक दुकान लगाएगा. ऑलराइट, तो ऋतिक के बेटे राकेश ने क्या सोचा कि वो दुकान लगाएगा. अब जब उसने दुकान लगाई तो उसने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मैं पार्ले जी का बिस्किट लेकर के आता हूं 5 रुपए वाला और उसको 6 रुपए में बेच दूंगा. अब यार ये पॉसिबल था क्या कि वो 5 रुपए का बिस्किट 6 रुपए में बेचे जो वो खरीद के ला रहा है 5 रुपए का दुकान में से? वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान जाएगा वो सीधा दुकान से किसी से ले आएगा 5 रुपए का बिस्किट, है ना. वो ऋतिक राकेश से क्यों खरीदेगा? तो ऋतिक ने क्या करा कि बेटा राकेश तुम एक काम करो, इसको 5 रुपए में बेचो. तो राकेश ने ऋतिक को बोला कि पापा आपको कोई बिजनेस करना आता है क्या?
अगर मैं 5 रुपए का बिस्किट खरीद के लाऊंगा, 5 रुपए का बिस्किट बेच दूंगा तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऋतिक ने बोला कोई बात नहीं, तुमको मैं 1 रुपए की सब्सिडी देता हूँ, ठीक है? तो तुमको बिस्किट कितने का पड़ेगा? 4 रुपए का पड़ेगा। 4 रुपए तुम देना, 1 रुपए मैं दूंगा। तो इससे क्या होने लगा, उसको 1 रुपए का प्रॉफिट होने लगा जब वो 5 रुपए का बिस्किट बेच रहा था। आया समझ में? तो सब्सिडी से हम क्या करते हैं, ठीक है, सब्सिडी से हम कॉस्ट को कम कर देते हैं, वी रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू सब्सिडी। इसको आप एक और जगह पे देखते हो, यू ऑल्सो सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अगर हम एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो फार्मर होता है हम उसके प्रोडक्ट को भी सब्सिडाइज करते हैं। तो लेट्स से उनके पास क्रॉप्स है ना, और क्रॉप्स में कुछ खर्चा आता है क्रॉप को सब कुछ करने का, है ना, उसको फर्टिलाइजर देना है, पेस्टिसाइड देना है, उसको इतने समय तक टेंड करना है, सब में खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे देती है। अगर मान लो एक फार्मर बिना सब्सिडी के फर्टिलाइजर खरीदने जाएगा तो उसे 100 रुपीज का पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद वो कितने रुपए का पड़ता है, 20 रुपीज का ही पड़ता है, क्योंकि 80 रुपीज जो थे वो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर लिया। क्यों ऐसा करा, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती तो फार्मर कभी फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाता, और फार्मर कभी फर्टिलाइजर नहीं खरीदता तो उसका क्रॉप अच्छे से नहीं उगता, है ना, फार्मर को ढेर सारा नुकसान हो जाता। तो ये सब्सिडी शब्द का मतलब इंपॉर्टेंट है, और एक बार सब्सिडी समझ में आ गया तो आगे भी कभी ये शब्द अगर आपको दिखता है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यूं तो बस सिस्टम को हमने क्या करा है, सब्सिडाइज करा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम टिकट सेल्स इज नॉट सफिशिएंट टू कवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। कि जितना हमारा पेट्रोल लग जाता है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी होती है, उतना हमको टिकट सेल से पैसा मिलता नहीं, और क्योंकि उतना हमको टिकट सेल से पैसा नहीं मिलता है इसलिए हमने क्या करा है, बस सिस्टम को हमेशा से सब्सिडाइज करा है, मतलब बस सिस्टम के लिए लोगों को पैसा दिया गया है। अब गवर्नर का प्लान क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है कि हम ये फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम को कम कर देंगे। अब यार अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट कम कर देंगे तो फिर क्या होगा, है ना, तो लॉजिकली अब क्या होगा इसको समझना है हमको। तो किसी चीज को हम सब्सिडाइज कर रहे थे, उसको सब्सिडाइज करना बंद कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूज विद इट्स प्लान द बस विल हैव टू स्टार्ट ऑपरेटिंग स्टॉप ऑपरेटिंग। देखो ये सही लग रहा है ना इसे, तो कि बस को ऑपरेट करना बंद कर देना पड़ेगा, बट व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम बाय ए, ए के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या कोई सोच सकता है कि प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई प्रॉब्लम सोच सकता है ए के साथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उनमें एक्सट्रीम हो सकता है, और सोचो, पॉइंट ऑफ द पैसा इज डिफीटेड, नॉट रियली स्वराज, सोचो आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते, आपके पास एक, आप गवर्नमेंट है ना, आपके पास बस सिस्टम को सब्सिडी देने के पैसे थे, आप सब्सिडी देने के पैसे खत्म हो गए तो आप क्या सर्विस खत्म कर दोगे, या यू विल इंक्रीज द प्राइसेस, टिकट का प्राइस इंक्रीज नहीं कर दोगे ताकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये जरूरी नहीं है ना कि बस को हम खत्म कर दें। बी क्या बोलता है, इफ द बस सिस्टम डज नॉट फाइंड अनदर वे ऑफ रेजिंग मनी एंड द गवर्नर्स प्लान इज अप्रूव्ड, द बस सिस्टम विल हैव टू ईदर रेज टिकट प्राइस और कट बैक ऑन द सर्विस। अब बी वाला क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमको सारे ऑप्शन दे रहा है कि अगर बस सर्विस को कोई और पैसा देने का ऑप्शन नहीं मिला, एक तरीका ये भी हो सकता है ना, हम लोगों के पास जाएं और बोले कि यार आप लोग डोनेशन दो, आपके डोनेशन से चलेगी बस, है ना, तो सबके पास हम ढोल पीट करके कटोरा लेके चले जाएं कि लाओ यार डोनेशन दो बस सर्विस चला, एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर बस सर्विस अपना टिकट प्राइस रेज कर दे। अगर ये दोनों चीजें नहीं करती, गवर्नर का प्लान भी अप्रूव हो जाता है तो सर्विस कम हो जाएगी डेफिनेटली। तो बी ने क्या करा, कॉम्प्रिहेंसिवली हमको सारी ऑप्शन दे दी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सी, इफ द प्राइस ऑफ अ बस टिकट इज रेज्ड, सम पीपल विल नो लॉन्गर बी एबल टू अफोर्ड टू राइड द बस। अब ये क्या बात हो गई, ये कॉस्ट के इफेक्ट का भी इफेक्ट है ना, तो ये तो कॉज है मान लो, तो ये इफेक्ट हो गया और ये उसका भी इफेक्ट है, जरूरी नहीं है ना कि ये इफेक्ट हो, है ना, ये कॉज के इफेक्ट का इफेक्ट। मैंने बोला एक दिन कि अगर मैंने रोमियो को
क्लास में नहीं आने दिया, है ना, रोमियो को क्लास में नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि वो लेट आता है। तो अगर मैंने रोमियो को क्लास में लेट मैंने एंट्री नहीं दी, उसको लेट आता था वो, तो इससे क्या हो जाएगा? अब किसी ने आकर के बोल दिया कि यार इससे क्या होगा कि रोमियो के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। बोला यार ये कैसे बोल रहे हो? तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो आप रोमियो को क्लास में नहीं आने दोगे, उसका क्लैट नहीं निकलेगा, तो वो अच्छे कॉलेज से लॉ नहीं करेगा, लॉ नहीं करेगा अच्छे कॉलेज से तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बाद पैसे नहीं रहेंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छे से एडुकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे एक बहुत बड़ी चेन ऑफ इवेंट बना दी ना, ये डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं हो सकता, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अजम्पशन, राइट? ओके, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन नहीं हो सकता। रोमियो यू डिड नॉट डू एनीथिंग, आई जस्ट टुक योर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं सिर्फ आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं हुआ। यस, तो सी भी हमें समझ में आ गया। डी क्या बोल रहा है? इफ द बस सिस्टम कैन फाइंड अ वे टू कट कॉस्ट, इट विल बी एबल टू मेंटेन करंट लेवल्स ऑफ सर्विस। कि अगर बस सर्विस को कॉस्ट कट करने की एक तरीका मिल जाए तो उससे वो अपने करंट लेवल ऑफ सर्विस को मेंटेन कर सकेगी। हमें नहीं पता कि सिर्फ क्या कॉस्ट कट करना सफिशिएंट होगा, है ना, क्या हमको ये पता है? हमें ये नहीं पता, तो डी थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा है। ऑल राइट गाइस, क्या समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? डिड इट टेस्ट योर लॉजिक? यस, पक्का ना? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले। यस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक और चीज समझना दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग से आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, वो क्वेश्चन में हो सकते हैं, वो आंसर में हो सकते हैं, ऑप्शन में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जिनका मतलब शायद आप लोगों को नहीं पता है ना। और ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उन शब्दों का मतलब आपको नहीं पता है तो उन शब्द को आप एक बार मुझसे पूछ लो, है ना, ताकि अगली बार कभी भी अगर आपको क्लैट एग्जाम में वो शब्द आ जाए तो आपको उसका मतलब पता हो। क्योंकि आधी इंग्लिश हमें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उस शब्द का मतलब हमें पता नहीं होता है। अगर उस शब्द का मतलब पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाय शालू, मानस मुझे कोई अच्छा सोर्स नहीं मिला जिसमें मेरे को क्यूस सीयूईटी की अच्छे से एक जगह जानकारी मिल सके। हाँ उत्तर यार, सीयूईटी का ना तो कोई पेपर अभी ढंग से उन्होंने रिलीज करा है पिछले साल का, तो इट्स अ वेरी ब्लैक बॉक्स। मतलब गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है, गवर्नमेंट बहुत स्लो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है तो दे आर नॉट प्रॉपरली गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज द मेजर इशू। हाई याशिका, हाय शालवी, जय शिव, दुर्वेश, ऋतिक, मानस, जया, स्वराज, जानवी, दीपक, सारा एंड कुमेर, वेरी वेलकम। बीटा कॉरपोरेशन ये बोलती है कि अब वो इट नो लॉन्गर हैज इनफ वर्क फॉर द 60 कंप्यूटर डाटा एंट्री वर्कर दैट इट इज लेइंग ऑफ। ठीक है, तो एक कंपनी है जो अपने 60 लोगों को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, बोल रही है कि अब आपका काम नहीं है, टाटा बाय बाय।
और कंप्यूटर डेटा एंट्री वर्कर कौन होते हैं, जो बेसिकली जो आपका हिसाब किताब होता है ना, कितनी सेल्स हुई ये सब आपकी एंट्री करते हैं। तो आप उनको कागज दो, वो कागज से वो कंप्यूटर में एंट्री कर देते हैं। दिस वर्कर्स हैव हर्ड हाउएवर दैट द कंपनी इज बाइंग 100 न्यू कंप्यूटर्स। लेकिन उन वर्कर्स को तो ये खबर मिली कि उन कंपनी तो अब नए 100 कंप्यूटर खरीद रही। तभी यार ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई कि आप एक तरफ 100 कंप्यूटर खरीद रही हो और दूसरी तरफ आप 60 कंप्यूटर वर्कर्स को ले ऑफ कर रहे। इसलिए वर्कर कंक्लूड कर रहे हैं कि कंपनी का असली रीजन ये नहीं है कि वो आपके उनके जॉब नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या करने वाली है, उनकी जगह लोअर पेड वर्कर्स को हायर करेगी और उनसे अपना काम करवा लेगी। आया समझ में? व्हाट इज द कंक्लूजन? ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको अंडरमाइन करना है वर्कर का कंक्लूजन। देखो, इस प्रॉम्प्ट को पढ़ने के बाद आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए थी। एक तो हमको ये वीकनिंग का क्वेश्चन है ना, और वर्कर का कंक्लूजन क्या है। तो वर्कर का कंक्लूजन सीधा सीधा लिखा है कि द कंपनीज रियल रीजन फॉर लेइंग देम ऑफ इज टू फिल देयर जॉब विद लोअर पेड वर्कर्स। ये उनका रियल रीजन है। इस बात को हमको क्या करना है, इस बात को हमको वीकन करना है। अब देखते हैं कैसे होगा ये वीकन। ए, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स बीइंग लेड ऑफ नो हाउ टू एंटर डेटा ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। यार अब ये तो क्या कर देगा, ये स्ट्रेंथन कर देगा ना वर्कर्स को, कि हमको तो नए कंप्यूटर चलाना भी आता था, है ना, हमको क्यों कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथन कर देगा। बी, ऑर्डर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ बीटा कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर। बीटा कॉर्पोरेशन की सेल बढ़ गई, ऑर्डर्स बढ़ गए, इन सब चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं लेऑफ की और ये बात कर रहे हैं कि अरे बीटा वाले तो बढ़िया बल्ले बल्ले कर रहे हैं, शावा शावा कर रहे हैं, इनका तो बहुत पैसे मिल रहे हैं इनको। अरे यार हमको क्या करना है। सी, अ रीसेंट मेमोरेंडम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ बीटा कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टेड दैट ऑल डेटा जनरेटेड बाय द कंपनी बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटराइज फॉर्म। अगेन अगर मैं ये बोल दूंगा तो ये स्ट्रेंथन हो जाएगा ना कि यार आप एक तरफ बोल रहे हो कंप्यूटराइज फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि जो कंप्यूटर में एंट्री करता है उसको हम निकाल देंगे। तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, है ना, कि एक तरफ आप कंप्यूटर वालों को निकाल रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि हम कंप्यूटराइजेशन बढ़ा देंगे। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। डी, बीटा कॉर्पोरेशंस न्यू कंप्यूटर्स विल अलाउ इट्स करेंट मैनेजमेंट एंड सेल्स स्टाफ टू परफॉर्म मेनी ऑफ द टास्क दैट द डेटा एंट्री वर्कर्स वर प्रीवियसली डूइंग। कि बीटा जो नए कंप्यूटर लगा रहेगा उससे उसके जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट वाले, सेल्स वाले, वो खुद ही काम कर लेंगे, वो खुद ही कंप्यूटर पे डेटा एंटर कर लेंगे। और अगर वो खुद ही डेटा एंट्री कर लेंगे तो फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत नहीं होगी, है ना। और ऐसा हुआ है, जैसे पहले क्या होता था कि हर वकील के पास, तो जितने भी लॉयर्स होते थे और जो एक सफिशियंटली सीनियर लॉयर हो जाता था, इनके पास एक व्यक्ति की जरूरत होती थी एंड दैट वाज अ राइटर। ठीक है, क्योंकि लॉयर का काम है बहुत सारी चीजें सोचना, उसके बाद वो सोच करके क्या बोलता था कि यार कोई लिख दे उस चीज को, तो वो बोलता जाता था, उसके पास एक राइटर होता था, वो फटाफट फटाफट लिखता था। पहले वो रफली लिख लेता था लॉयर ने क्या बोला और उसके बाद वो फेयर करके लॉयर को दिखा देता था। इस तरह के लोग होते थे। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम क्या आ गया, टाइप राइटर आ गया। तो टाइप राइटर्स की बहुत जॉब होती थी लॉयर्स के पास। मतलब लोग क्या करते थे, आज से कुछ साल पहले, मतलब 1990s की ये बात है, 1990s में जब टाइप राइटर आया था तो देवर प्रॉपर कोर्सेज जो आपको टाइप राइटर पर टाइप करना सिखाते थे, है ना। और टाइप राइटर पर अगर आपको टाइप करना आ गया तो आपको बहुत सारे जॉब मिलते थे। आपको जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर में जॉब मिल जाता था, न्यूज चैनल में जॉब मिल जाता था, उसके बाद लॉयर्स के पास खूब सारे जॉब मिलते थे। तो लोग टाइप राइटर का कोर्स करते थे, है ना, स्टेनोग्राफर, ये करेक्ट, स्टेनो यही होते हैं। ठीक है, अब टाइपिस्ट के जॉब मिलने लगे। ओवर टाइम क्या हुआ, जो नई जनरेशन ऑफ लॉयर आई हमारी और आपकी जैसी, दे स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। हम लोगों को क्लास फर्स्ट या सेकंड में कंप्यूटर का कोर्स शुरू हो गया था। आई एम श्योर आप लोगों को भी कंप्यूटर का कोर्स काफी अर्ली आपके स्कूल में शुरू हो गया था, है ना। एंड आई एम श्योर कि 80% ऑफ यू मस्ट हैव कंप्यूटर और लैपटॉप एट योर होम। या तो आपके पापा के पास होगा या आपके घर पे होगा कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर, कुछ तो होगा, है ना। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके पास जब ये सारे सिस्टम थे तो यू नेवर फेल्ट कि यार आपको किसी टाइप राइटर की जरूरत है। आज जो बड़े से बड़े लॉयर भी है ना, मतलब मैं बहुत सीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई 30 साल का भी लॉयर है, अगर वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाएगा ना, इवन देन ही विल नॉट हैव अ टाइप राइटर, बिकॉज ही कैन टाइप वेरी फास्ट। तो वो उसको लगता है कि यार मैं किसी को बोलूँ वो टाइप करे फिर मैं उसका देखूँ, इससे अच्छा तो क्या है कि मैं खुद ही टाइप कर लूंगा,
एंड व्हेन यू विल गो टू लॉ स्कूल यू विल रियलाइज कि आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है ना. तो आप कभी किसी लॉ स्कूल के स्टूडेंट को या लॉ स्कूल ग्रेजुएट को टाइप करते हुए देखना, यू विल सी यार क्या खटखट खटखट टाइप कर रहे हैं ना. क्यों? क्योंकि आप इतना सारा टाइप करते हो, इतने सारे प्रोजेक्ट बनाते हो. हैव यू एवर ऑब्जर्व समवन, मतलब आपके कोई हो मुझे क्या है, और भी लोगों को आप देखना, मतलब एनी लॉ स्कूल ग्रेजुएट दे विल टाइप रियली फास्ट, बहुत तेज टाइप करते हैं, है ना. एटलीस्ट वो लोग जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट खुद बनाए. कई सारे लॉ स्कूल ग्रेजुएट ऐसे होते हैं जिन्होंने गूगल से अपने प्रोजेक्ट कॉपी करे होते, फिर उनकी ना तो टाइपिंग सुधर पाई ना लीगल एजुकेशन कोई काम आ, है ना. हमको वो वाला बच्चा नहीं बनना. ठीक है, आगे बढ़े. ये क्वेश्चन भी क्लियर है? रियली सॉरी गाइस. अरे ये वाला करा हुआ है अपन ने. ठीक है रितेश, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. देखो 3-on-3 पे अभी तक 8 बच्चे हैं, वेरी गुड. जय शिव, दुर्विश, ऋतिक, मानस, जया, स्वराज, सारा, सौरभ, बने रहना, उन्मेष और जानवी, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. हाय शुभांगी. देयर वर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिटवीन 10 and 100 टाइम्स एज मेनी काइंड ऑफ लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स एज मेरीन ड्वेलिंग एनिमल्स. नेवरदलेस 95% of the extinct animal species now preserved in fossils are marine-dwelling animals. Which one of the following, if true, would help to resolve the apparent discrepancy above? यार ये बड़ी अजीब सी बात है. यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि land-dwelling animals ज्यादा थे, है ना. और कितने टाइम ज्यादा थे, ऐसे छोटा मोटा नहीं कि 10 ज्यादा थे, 100 ज्यादा थे, 10 times, 100 times ज्यादा थे. यानी कि अगर आपके पास मेरीन एनवायरमेंट में, मतलब पानी में 1 crore ऑर्गेनिज्म थे, तो लैंड पर आपके पास एटलीस्ट 10 crore ऑर्गेनिज्म थे. फिर हम देखते हैं कि यार जो अगर हम फॉसिल्स देखेंगे तो फॉसिल्स में 95% फॉसिल्स इनके होते हैं और सिर्फ 5% फॉसिल्स लैंड ड्वेलिंग एनिमल के होते हैं. तो दिस इज अ पैराडॉक्स. ये क्या हो गया, ये एक पैराडॉक्स हो गया कि मेरिन एनिमल कम थे, उनके फॉसिल ज्यादा हैं, और लैंड एनिमल ज्यादा थे, उनके फॉसिल कम है. ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं. ए, द एक्सपोजर ऑफ बोन्स टू द सन कैन लीड टू देयर डिसइंटीग्रेशन, बट सो कैन देयर एक्सपोजर टू वाटर. अब बोल रहा है कि यार सन से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, अच्छी बात थी, हमको लगा कि हो सकता है, लेकिन फिर इसने बोला वो तो पानी से भी हो जाएगी.
तो दोनों में कुछ अंतर नहीं करवाया ना इसमें? डिड इट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों में किसी भी तरह का अंतर इन्होंने नहीं बताया, और क्योंकि दोनों में किसी भी तरह का अंतर नहीं बताया तो ये गलत था। बी, लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स टेंड ऑन एवरेज टू हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन देन मेरीन ड्वेलिंग एनिमल्स। यार ठीक है, लॉन्गर लाइफ स्पेन भी होगी तो भी ऐसा तो नहीं है, हम ये तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ कई सारे अभी जिंदा होंगे अरबों साल से, तो लंबी लाइफ स्पेन भी होगी तो भी जितने बड़े टाइम पीरियड को हम कंसिडर कर रहे हैं उतनी लंबी तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है ऑप्शन। सी, ऑन एवरेज लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स आर लार्जर देन मरीन ड्वेलिंग एनिमल्स। इनकी साइज से कुछ होता है क्या? साइज और उम्र का कुछ लेना देना है? नहीं, हमको तो बताना है इनकी फॉसिल क्यों जाता है। तो द मूवमेंट ऑफ सिल्ट इन मैरीन एनवायरमेंट इनेबल्स सेडिमेंट टू बिल्ड अप क्विकली दस प्रिजर्विंग फॉसिल्स। कि क्या होता है, मैरीन एनवायरमेंट में सिल्ट ऊपर नीचे होती है जिससे सेडिमेंट बनता है, और सेडिमेंट बनने के कारण ये फॉसिल्स प्रिजर्व हो जाते हैं जो कि लैंड पे नहीं होता है ना, और इस कारण से क्या होता है ये फॉसिलाइज जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। आया समझ में दोस्तों? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, पक्का? वेरी नाइस, वेरी गुड। और देन इन दैट केस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते। चलो ये आपको बहुत बेसिक आइडिया देगा, व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर उस तरीके से। दुर्विश, जया, ऋतिक, मानस, जयशिव, सारा, उन्मेश, स्वराज, जानवी एंड दीपक। वेरी वेल डन, वेरी गुड। ओके, आंसर इज गिवन। अच्छा, कहाँ पे दिया हुआ था आंसर बताओ मुझे जाओ। ये नीचे हाइड आंसर वाज आंसर गिवन है ना? यस, ओके। इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं? द इकोनॉमी सीम्स टू बी हेडिंग आउट ऑफ रिसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन? रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं करे उसे हम रिसेशन बोलते हैं। जब लोगों के जॉब चले जाए, लोगों के पास पैसा ना हो, है ना, कंपनी ज्यादा अच्छे से मैन्युफैक्चर ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, रीसेंट फिगर्स हैव शोन दैट द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स आर बाइंग मोर ड्यूरेबल गुड्स देन बिफोर। अभी कुछ फिगर आए हमारे पास, कुछ सर्वे हुआ जिससे हमें ये पता चला कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा खरीद रहे। अब अगला शब्द हमें यहाँ पे मिलता है ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, देर आर टू काइंड ऑफ गुड्स, एक होता है ड्यूरेबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन ड्यूरेबल, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर। ठीक है,
अब देखो यार, ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत कम बार खरीदते हो क्योंकि आपको ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे ड्यूरेबल में आएगा टीवी। टीवी आप क्या करोगे, अपने घर में 10 साल 12 साल में एक बार खरीदोगे, है ना? अगर आपके पापा बोलेंगे कि यार बेटा पढ़ाई करना है, टीवी क्यों चाहिए तुम्हें, तो हो सकता है कि 20 साल में भी एक बार खरीदी जाए आपके घर में टीवी। लेकिन जनरली 4-5 साल में तो हम एक बार खरीदते हैं, उससे कम में नहीं खरीदी जाती टीवी, है ना? अनलेस आपने बहुत एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की EMI का टीवी ले लिया हो जो आपको बिल्कुल 2 साल चला और खराब हो गया, वो एक अलग आपका अनफॉर्चून वाली बात है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं होती, ड्यूरेबल गुड्स हम लेट करते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, AC हो गया, दिमाग हो गया, और कुछ बड़ा सा मिक्सर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो हमको एक लंबे समय के लिए खरीदते हैं और लंबा खरीदते हैं, ठीक है? यस। अब रेगुलर कौन सी होती है? रेगुलर वो चीज होती है जो हमको हर थोड़े दिन में खत्म हो जाती है ना, और उसको हमको हर हर महीने खरीदना है। लेट्स, जैसे रेगुलर चीज में क्या हो जाएगी, रेगुलर में हो जाएगी आपका आटा, दाल, नमक, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, अकल, ये सारी चीजें आपको रेगुलर चाहिए क्योंकि रेगुलर आपके पास खत्म हो जाती है ना? और क्योंकि रेगुलर ये खत्म हो जाती है तो यू नीड इट रेगुलरली, ठीक है? तो ये अंतर होता है ड्यूरेबल और रेगुलर में। अब इसमें क्या है कि ड्यूरेबल चीजें आप तभी खरीदते हो जब आपके पास पैसे हो, है ना? लेकिन रेगुलर चीज आपको रेगुलरली चाहिए, उसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता। अब यार आपके पास पैसे कम भी होंगे तो भी आप आटा, दाल, शक्कर ये तो खरीदोगे ना? चाय के बिना जी सकते हो क्या? नहीं जी सकते, है ना? हाँ, लेकिन टीवी के बिना जी सकते हो। तो ड्यूरेबल चीजें हम कम खरीदते हैं। तो इकोनॉमिस्ट को एक इकोनॉमिस्ट की तरह पता है, एक इकोनॉमिस्ट का सीक्रेट है, उनको अगर पता करना हो ना कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, तो वो कुछ भी नहीं करते, वो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, है ना? और जेठा भाई से पूछते हैं कि भैया आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर जेठा भाई ने बोला कि यार बिजनेस तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस पर विश्वास मत करना, वो हमेशा ऐसा बोलता है ना? उसको पता नहीं क्या लगता है, तो इसलिए आप उस पर विश्वास मत करो। आप सुंदर से उससे पूछो यार, बाघा से। हाँ बाघा, कैसा चल रहा है बिजनेस? बाघा से ही बता। अगर बाघा ने बोला कि यार मस्त, बहुत सारी वॉशिंग मशीन बिक रही है, तो मतलब इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है। और बाघा ने बोला यार कुछ काम ही नहीं है, है ना, मैं तो कई कल ही बहुरी के साथ 2-3 बार घूम के आया, तो फिर इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही, ठीक है? तो ये इकोनॉमिस्ट का सीक्रेट है, दैट्स हाउ दे कैन डिटरमाइन इकोनॉमी अच्छी चल रही है कि नहीं। समझ में आया आपको? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे तो आप तभी जाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा। राइट? लेकिन एक ग्रोसरी की शॉप पे तो सब लोग जाएंगे, अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, मिडिल क्लास भी जाएगा, सब लोग जाएंगे ना? यस, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिस्ट की आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हैं इसलिए, है ना? एंड इसको क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ रही है। इकोनॉमी इज कमिंग आउट ऑफ रिसेशन। मानस, यहाँ पे गोल्ड जो होता है ना, इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, हम उसकी बात नहीं कर सकते, हम यहाँ पे यूज की बात कर रहे हैं। गोल्ड तो किसी भी कारण से लोग खरीद सकते हैं ना, उनको लग रहा है कि यार पैसे, इकोनॉमी इतनी खराब हो गई कि पैसा जो है वो अब यूजफुल नहीं रहेगा, तो उन्होंने गोल्ड खरीद लिया। तो बहुत सारी चीजें होती है ना मानस। अब आपकी मान लो शादी करानी है, अब घर वाले ने बोला कि यार ऐसा इतना भी बेकार लड़का तो नहीं है हमारा मानस, ठीक है, नाक में दम करके रखा था, नालायक था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है चलो एक गोल्ड की चेन तो दिलवाई, उसलिए आपकी चेन दिलवा दी है, कि चलो इसको चेन दिलवाएंगे तो बाकी तो हमको जिंदगी भर चेन से जीने देगा। कुछ भी हो सकता है। फोन इज अ ड्यूरेबल गुड्स, एनीथिंग दैट यू परचेज आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर वो ड्यूरेबल गुड्स होता है, ठीक है रितेश? और ये मत बोलना सर मैं तो हर 6 महीने में खरीदता हूँ। यार 6 महीने में कौन सा खरीदते हो, आईफोन भी 1 साल में आता है रितेश। ठीक है, यस। तो द कंज्यूमर्स आर बाइंग मोर ड्यूरेबल गुड्स देन बिफोर, ये क्या है ना, ये एविडेंस है ना, दिस इज द एविडेंस। इसके आधार पे आपने यहां पे कुछ कंक्लूजन किया, ठीक है? तो इट इज द प्राइमरी एविडेंस फ्रॉम विच द आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन इज ड्रॉन।
ये वो प्राइमरी एविडेंस है जिसके कारण हमने आर्ग्यूमेंट का प्राइमरी कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया था। अब देखो ए बी सी, इट इज द फिनोमिनन दैट द आर्ग्यूमेंट सीक्स टू एक्सप्लेन। कि आपको ये एक्सप्लेन करा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, ये तो नहीं बताया है ना, आपने ये अज्यूम कर लिया कि खरीद रहे हैं इसलिए इसका क्या मतलब है। बी, इट्स ट्रूथ इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर द आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन टू बी ट्रू। कि ये सही होगी तो ही आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन ट्रू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये सही हो आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन ट्रू ना हो ये भी तो हो सकता है। सेकेंडली, इट्स ट्रूथ, अगर ये मान लो ट्रू नहीं है उसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो सकता है इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ रही है लेकिन प्रॉस्पर नहीं कर रही है इसलिए ड्यूरेबल गुड्स पे भी हम जा नहीं पा रहे, ठीक है। सी, इट इज एन इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइस दैट द रिसेशन सीम्स टू बी एंडिंग। ये रिसेशन एंड हो रहा है इसलिए लोग कंज्यूमर गुड खरीद रहे हैं या कंज्यूमर गुड खरीद रहे हैं इससे पता चल रहा है कि रिसेशन खत्म हो रहा है। अगर आप सी लगाओगे ना तो आप कॉज एंड अफेक्ट को उल्टा कर दोगे। देखो हमारी आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर ये है कि कंज्यूमर सॉरी ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा दिख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि रिसेशन एंड हो रहा है, ना कि ये कि रिसेशन एंड हो रहा है इससे ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा दिख रहे हैं। दोनों में अंतर है, दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। आए समझ में? अब एक बार क्या हुआ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको है ना। आई यूज टू गो टू एन ऑफलाइन कोचिंग, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में गया था क्लैट के लिए, उस समय ऑनलाइन कुछ होता नहीं था तो मेरा रूममेट था। अब मेरा रूममेट ने क्या करा, उसको कोई और पसंद आ गया क्लैट कोचिंग में, ठीक है, और ओवर टाइम उसके क्लैट का स्कोर भी बढ़ने लगता। तो उसने कंक्लूड कर लिया कि यार इसके कारण है ना, क्योंकि मुझे वो पसंद आई है, उसको वो पसंद नहीं आया है बट इसको वो पसंद आ गई, बोल रहा है कि इससे मेरा क्लैट के मॉक का स्कोर बढ़ रहा है। अब यार यहाँ पे कुछ लॉजिक दिख रहा था आपको कि शी इज लकी फॉर मी, बिल्कुल नहीं है ना, बकवास बात है। नहीं बट एक्चुअल में ऐसा हुआ था, अब सोचो ऐसा कैसे हुआ होगा, एक्चुअल में ऐसा हुआ था देखो क्या होता था ना कि ये लड़की जो थी है ना, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नेहा'स नेम, मैं नेहा का नाम आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्या होता था कि क्लास के बाद नेहा, मैं नाम नहीं बता, ठीक है, क्या करती थी, शी यूज टू सिट इन द कंप्यूटर लैब। वो क्या करती थी, कंप्यूटर लैब में बैठती थी, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब थी, वो कंप्यूटर लैब कम लाइब्रेरी थी, दोनों चीजें थी वहां पर, तो वो वहां पे बैठा करती थी। हमारे भाई भी वहीं बैठने लगे, ठीक है। अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप वहां पे बैठ करके उसको देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो ना, लोग निकाल देंगे आपको वहां से। तो वो भी पढ़ने लगा, तो उसकी उस चक्कर में पढ़ाई होने लगी। फिर क्या हुआ आगे, कुछ दिन बाद समहाउ दे स्टार्टेड स्पीकिंग और अब शी ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हिम, ठीक है, शी ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हिम। लेकिन यहां पर रिवर्स हो गया कि द मोमेंट शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम इसका स्कोर नीचे चला गया, इसका तो स्कोर बड़ा था, इसका स्कोर नीचे चला गया। ये बताओ ये क्यों, देखो पहले तो क्या हो रहा था, दोनों पढ़ रहे थे और ये उसको देख रहा था। अब दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अब ये लोग नीचे जा करके घूमने लगे, एक्सप्लोर करने लगे, है ना, जिंदगी जीने लगे, ठीक है।
आया समझ में? तो इसके लिए वन साइडेड लव अच्छा था, जैसे ये लव टू साइडेड हुआ, दोनों तरफ से स्कोर गिर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्लैट का रिजल्ट आया, काफी दुखद था क्लैट का रिजल्ट। ठीक है, यस आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं मिला, आया उसके रूम में वॉटर साइड एंडिंग। तो जयशिव आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बोलूं कि आज उनके, आज वो बड़ी हंसी खुशी रहते हैं, वो लड़का जो बहुत बड़ा लॉयर बन गया है, लड़की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बन गई है, उनके तीन बच्चे हैं, है ना, उन्होंने अभी रिसेंटली बॉम्बे में एक बहुत बड़ी विला ली है। व्हाट डू यू रियली वांट एज एन एंडिंग भाई? दे आर नॉट इवन टुगेदर। हाय तन्मय, हाय सना, दुर्विश, जया, मानस, जयशिव, वेरी वेल डन, उन्मेष, ऋतिक, स्वराज, दीपक, सारा एंड जानवी, वेरी नाइस। अकॉर्डिंग टू अ रिव्यू ऑफ 38 स्टडीज ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वाटर रिटेंशन, अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रिपोर्टेड दैट फास्टिंग ईज देयर सफरिंग कंसिडरेबली। तो यार 38 पेशेंट पर 38 स्टडीज हुई, उसमें यह बताया गया कि वाटर रिटेंशन के प्रॉब्लम को फास्टिंग से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब जिन लोगों ने फास्ट किया उनकी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वाटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिटेंशन? तो वाटर रिटेंशन की बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं करती है। जनरली वेन एवर यू ड्रिंक वाटर यू डू नॉट इमीडिएटली फील लाइक गोइंग टू द वॉशरूम, राइट? क्यों? क्योंकि अभी आपने पानी किया है। नाउ इट्स द वर्क ऑफ योर किडनी कि आपके वाटर में से क्या करेगी, वो वाटर से बाकी सारी चीजों को प्यूरिफाई करेगी। आपकी बॉडी ने टॉक्सिन्स यूज अप करें या टॉक्सिन जो निकले वो वाटर में मिलाएगी, देन ओवरऑल ऑल ऑफ दिस विल बी यूज्ड इन रिलीजिंग द वाटर इवेंचुअली आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इट ऑल ऑफ दैट प्रोसेस टेक्स 2-3 आवर्स। सो इवन इफ यू वर टू ड्रिंक अ बॉटल, फुल वाटर ऑफ वाटर, है ना, जैसे मैं भी पूरी क्लास में एक बॉटल वाटर को कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है आई हैव टू गो टू वॉशरूम इन एवरी क्लास। आफ्टर द क्लास आई मे हैव टू गो टू द वॉशरूम बट नॉट ड्यूरिंग द क्लास, है ना, कई बार ऐसा एक्सेप्शनली भी होता है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज माई किडनीज आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, बट अज्यूम इफ द बॉडी डिड नॉट हैव किडनी, वॉट विल हैपन देन, है ना, अगर बॉडी किडनी नहीं होगी तो हम क्या बन जाएंगे, हम एक बिन पेंदे की बॉटल बन जाएंगे कि आप ऊपर से पानी निकालोगे नीचे से पानी डूबेगा, पाइप बन जाएंगे हम, ठीक है, आया समझ में, अगर आपके पास किडनी नहीं होगी तो। तो जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनको यही प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा उनका ऐसा भी नहीं होता कि वो पाइप ही बन जाते हैं पूरी तरह से, बट इफ दे आर ड्रिंकिंग वाटर विद इन 10 or 15 मिनट दे विल हैव टू यूज द वॉशरूम, उनको वॉशरूम जाना पड़ेगा। प्लस उससे क्या होता है, दे हैव टू इनटेक अ लॉट ऑफ वाटर,
है ना, उनको बहुत सारी वाटर लेना पड़ेगा और दिक्कत भी उनको आएगी। ठीक है, तो क्या आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो गई? नहीं? ठीक है, समझ में आ गई। समझ में आ गई, ठीक है, यस, चलो ठीक है। अब हमने 38 स्टडीज करी, मतलब अलग अलग पेशेंट्स पे अलग अलग स्टडी हुई, 38 स्टडी को हमने स्टडी कर, उसमें ये देखा गया कि अगर पेशेंट को फास्ट करवाया जाए, फास्ट करना मतलब क्या होता है, व्रत रखवाया जाए, तो उनके प्रॉब्लम कंसिडरेबली ईज हो जाती है। लेकिन फिर भी वाटर रिटेंशन को हमने कभी भी रेकमेंड नहीं करा इस ट्रीटमेंट, क्या सॉरी, फास्टिंग को रेकमेंड नहीं करा ट्रीटमेंट की तरह, जबकि जो रेगुलर मेडिसिन है ना, जो आप दवाई लेते हो, उसके काफी सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं फास्ट करवाते? इतनी अच्छी मेथड जब सबको पता है, तो उस मेथड को यूज क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डू वी नॉट यूज द मेथड? क्या लगता है आपको, उसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो हमको इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना है कि यार एक मेडिसिन है जिसका इतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो रहा है और उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ पैराडॉक्स क्वेश्चन, ए बी सी डी देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स विद वाटर रिटेंशन, फास्टिंग इंड्यूसेस अ टेंपरेरी सेंस ऑफ नोजिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अगर ये सही होता तो भी मैं फास्टिंग रेकमेंड करता ना, कि एक तो कुछ लोगों में हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है और नोजिया ही हो रहा है ना। लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन का तो क्या है, ऑफ्टन है और सीरियस है साइड इफेक्ट। यहाँ पे ना तो ये ऑफ्टन है, ये तो कभी कभी है, और ये सीरियस भी नहीं है, नॉन सीरियस है, तो ए तो बेहतर ऑप्शन हो गया ना, इसने पैराडॉक्स को रिजोल्व नहीं करा। ठीक है, बी, गेटिंग पेशेंट विद वाटर रिटेंशन टू फास्ट रेगुलरली इज मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग हेल्दी पेशेंट्स टू डू सो, कि इनको फास्ट करवाना मतलब बहुत परेशानी की बात है। तो भी क्या हुआ, इट इज अ फॉल्स कंपेरिजन, है ना, हमको हेल्दी पेशेंट से क्यों कंपेयर कर दिया? हम वाटर रिटेंशन वाले, हमारी किडनी खराब नहीं कर रही है, हम पीवीसी पाइप है, आप इसे हेल्दी पेशेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? हमको उनके पास दो दो किडनी है, फंक्शनिंग किडनी। सी, फास्टिंग रेगुलरली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू टेम्पररी इंपेयरमेंट ऑफ बैलेंस कंपेरेबल टू दैट इंड्यूस्ड बाय कंज्यूमिंग सेवरल ऑन्सेस ऑफ एल्कोहल। ये बहुत ज्यादा फास्ट करने से कई बार आपको इम्बेलेंस फील हो सकता है, लेकिन अगेन दिस इज टेम्पररी, तो इट्स नॉट अ सीरियस साइड इफेक्ट ना। हमको तो बाकी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे सीरियस साइड इफेक्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू। फिर क्या होता है, द वॉटर रिटेंशन रिटर्न इन फुल फोर्स एज सून एज द फास्ट इज ब्रोकन इवन बाय अ स्मॉल मील। अब दिस इज द प्रॉब्लम, कि फास्ट तो क्या हो गया है, फास्ट एक टेम्पररी रेमेडी हो गई ना, क्योंकि फास्ट कभी ना कभी तो तोड़ोगे, यू कैन नॉट फास्ट फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, 8 8 10 10 दिन तक फास्ट थोड़ी कर सकते, आप गांधी जी थोड़ी हो जाए, है ना, ना अपन ना आचार्य हो, तो आप इतना लंबा फास्ट नहीं कर सकते, आप 1 दिन 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे ही फास्ट 1 दिन भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, है ना, करके देखना आपको। तो अगर फास्ट तोड़ा जाएगा छोटी मील से भी, तो भी इससे क्या हो जाएगी, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। आया समझ में? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? यस, ओके। अच्छा, ये ऋतिक बोल रहा है कल से 9 डेज का फास्ट है। भाई देखो, मैं बताता हूँ आपको, मेरे घर में भी फास्ट होता है कई बार। ठीक है, हमारे घर में पता है फास्ट में क्या होता है, सुबह सुबह खाते हैं वो साबूदाने की खिचड़ी, उसके बाद दोपहर में खाते हैं फल फ्रूट, है ना, जाने कितने फल फ्रूट खाते हैं, फिर शाम को 5 6 बजे वो उनको खाना रहता है मिक्सचर, वो फरियाली मिक्सचर, रात को बढ़ते हैं साबूदाने के बड़े ना। फास्ट वाले दिन ऐसा लगता है कि यार ज्यादा खा लिया, उस फास्ट को नहीं फास्ट बोलते। ये फास्ट फास्ट नहीं है भाई। हाँ, कल से नवरात्रि है रितेश, वो मुझे पता है, लेकिन फास्ट को फास्ट की तरह करो ना। एंड इट इज गुड इफ यू आर फास्टिंग वंस इन अ वीक, नो, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड, मतलब फास्टिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग एक्सट्रीमली हेल्दी बॉडी। हमारी बॉडी में जब भी हम जिस भी खाने को खाते हैं, देर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन दैट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, और हम कई सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करते जाते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ही हम फास्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है,
और नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू होने से उसके जो टॉक्सिन्स है वो अपने आप निकल जाते हैं, है ना। फास्टिंग वंस अ वीक हैज बीन शोन टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। कई सारी जगह ये भी दिखाया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है अगर आप फास्ट को एक हफ्ते में एक बार करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए ओके। तो यार इसका एक और एग्जांपल है। एक बार क्या देखा गया कि इंसान के यहां कुछ हो गया था, एक नेल था, ठीक है। आप दीवार पे कई बार नेल लगाते हो, और उससे उन्होंने क्या कर रखा था, एक घड़ी जो थी उसको टिका रखा था। ऐसा होता है ना, आप नेल से कई बार अपनी घड़ी को टिकाते हो, ऐसा होता है ना। एक दिन क्या हुआ कि ये नेल टूट गया, है ना, ये नेल टूट गया, अब ये घड़ी नीचे आ गई। तब किसी ने देखा, एक बच्चे ने देखा कि हम क्या करते हैं ना, इस घड़ी को ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, सबसे इफेक्टिव तरीका, ठीक है। अगर हम एक और एक नया नेल लेकर के आएंगे, उससे दीवार में छेद होगा, दिक्कतें होंगी, इससे हथौड़े से करेंगे तो उससे सर दुखेगा, इससे अच्छा क्या है, उसको लेकर के खड़े हो जाते हैं। बट अगेन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे आपने अपना हाथ हटाया वो प्रॉब्लम वापस से वैसे ही हो जाएगी जैसा कि डी ऑप्शन में हो रहा था, दैट दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। सेम है ना ये भी, इज दिस द सेम एग्जांपल। यस ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। ये क्वेश्चन भी नहीं, एक सेकंड दो मुझे, अपलोडिंग द क्वेश्चन गाइस। ओके, दुर्विश, मानव, जयशिव, वेरी वेल डन। तो ये तीन लोग हैं जो टॉप कर रहे हैं। सेकंड पे हमारे पास है उन्मेश, जया, ऋतिक, सारा, वेरी गुड। और फिर है स्वराज, दीपक और ईरा, वेरी नाइस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंट्री एक्स कंटेन्स मेनी रिवर दैट फ्लो डाउन फ्रॉम इट्स हाई माउंटेन्स। दिस रिवर हैव बीन डैम्ड टू हार्नेस द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिसोर्स।
more than enough power is generated from this dim to meet the country's energy needs. Yet, citizens of country X often experience power shortages or even outages. Which of the following, if true, explains the situation described above? तो यार हमें कंट्री है ना, इसका नाम पाकिस्तान है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान की जगह एक्स बोलेंगे, तो मैं आपको नहीं बता रहा कि एक्चुअल नाम इसका क्या है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे रिवर है, और बहुत सारे रिवर होने के कारण बहुत सारी बार ये क्या करते हैं, बहुत सारी बार ये इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये अपने आप ही यूज कर ले, और अपने आप यूज करने के बाद ये उसके बाद भी थोड़ा इसके पास बच जाए। उसके बाद, उसके बावजूद भी उसने क्या किया कि उसके पास हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती है। यार ऐसा क्यों होता है कि आपके पास सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो, उसके बावजूद यू कीप ऑन फीलिंग पावर आउटेजेस या पावर शॉर्टेजेस, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके क्या कारण होंगे, ए बी सी डी में देखते हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर इज हैवियर इन द स्प्रिंग देन एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर। उससे क्या होता है, आपके पास तो ओवरऑल ईयर की बात हो रही है ना, ठीक है। बी, सिटीजंस ऑफ कंट्री एक्स रिलाय हेविली ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इन देयर होम। तो यार अब इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करेंगे ही ना, वो है ना, वो टाइम बम बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो लगती है यार। सी, कंट्री एक्स हैज नॉट इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यार तालिबान को भी तो पैसे दे रहे हैं ना, वो कहां से देंगे पैसा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन कंट्री एक्स इज सोल्ड टू अदर कंट्रीज। अब अगर ये पता चल जाए कि जितनी भी कंट्री कंट्री एक्स में बन रही है वो कंट्री वाई, जिसका नाम चाइना है मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसको बेच देता है, ठीक है? तो कंट्री एक्स क्या कर रही है, कंट्री वाई को अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है, तो फिर उसके लोग तो दिक्कत देंगे ना, उसके लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं होंगे ना। वाई नॉट ए, बिकॉज देखो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ही बोल रहे कि स्प्रिंग में ज्यादा है फ्लो और अदर टाइम्स ऑफ द ईयर में कम है, लेकिन हमारे साथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्वराज, कि इसके पास सफिशियंट है कि कंट्री की एनर्जी नीड्स मीट कर सकती है। तो क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर सीजन में मीट हो जाती है, बाकी सीजन में दिक्कत आती है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हो जाती है मीट। आया समझ में? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चले। आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Sure, it's an easy question despite it being a very long question. Hi Surya, sure.
Anusha, if it's possible, can you rewind the class a bit? It's allowed. Okay. Yes. Durvish, Manas, Jayshiv, Unmesh, Jaya, Ritik, Swaraj, Ayush, Priyanka, and Sara. Very well done. एक स्टडी डिजाइन की गई जिससे हम मेडिटेशन का अफेक्ट क्या होता है ऐसे लोग जिनको बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि अनकंट्रोलेबल एंगर और एक्सट्रीम एंजाइटी उन पे क्या होता है. इसके लिए हमने क्या किया कि हमने दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को लिया, ग्रुप वन और ग्रुप टू. ठीक है, और दोनों ग्रुप में सिमिलर डिसऑर्डर वाले लोग थे. इसमें से ग्रुप वन को हमने मेडिटेशन भी करवाया और मेडिसिन भी दी और सेकेंड ग्रुप को सिर्फ हमने मेडिसिन दी. एक हफ्ते के बाद हमने देखा कि दोनों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और दोनों के सेम ट्रेट्स हमको देखने को मिले. और इससे रिसर्चर ने क्या कंक्लूड कर लिया कि मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस मेडिटेशन से नहीं बढ़ती है, दैट मेडिटेशन डज नॉट इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन. ठीक है, इसकी वीकनेस क्या है इसके लिए एक चीज देखना. एक बार क्या हुआ, एक बच्चा आया, उसने बोला कि क्या मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा तो मेरे स्कोर बढ़ जाएंगे क्या मॉक के. मैंने बोला हाँ बढ़ जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लास वगैरह अटेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो, है ना, कहीं से भी आप क्लैट की प्रिपरेशन करोगे अच्छे से करोगे तो बढ़ जाएंगे. अब ऐसे में क्या हुआ कि उस बच्चे ने 1 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन लिया, 1 अप्रैल को क्लास अटेंड करी और 2 अप्रैल को मॉक थी. 30 मार्च के मॉक में उसके 15 नंबर आए थे, 2 अप्रैल के मॉक में भी उसके 15 नंबर आए. मॉक भी सेम डिफिकल्टी लेवल का. बच्चा बोल रहा है कि यार इसमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा मेरा, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इसकी बात में, यार एक दिन में थोड़ी ना बढ़ जाता है. जैसे आप लोग भी क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हो तो ना ग्रेजुअली यू आर सीइंग दैट इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर ना, या एकदम से हो गया. पहले हो सकता है ना कि आप लोग शायद पैसेज में 2 out of 5 सही करते थे, 1 out of 5 कर रहे थे, अब शायद आप 3 out of 5 तक पहुंचे हो कुछ कुछ पैसेज में, कुछ कुछ बच्चे 4 out of 5 5 out of 5 पे भी पहुंचे हो, बट एनी इम्प्रूवमेंट इज ग्रेजुअल. ठीक है, तो इसमें वीकनेस क्या हो सकती है कि आप एक हफ्ते में कैसे जज कर सकते हो मेडिटेशन का, है ना, दैट कंटिन्यूअल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन फॉर अबाउट अ मंथ इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिगिनर टू इंटरनलाइज द मेडिटेशन टेक्निक्स टू एक्सपीरियंस एंड इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉनिक बिहेवियरल इश्यूज. कि आपको एक कंटिन्यूअल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन चाहिए जो कि कम से कम 1 मंथ की हो, ताकि आपको कोई ना कोई मेडिटेशन का क्या हो, आप कुछ भी फायदा इंटरनलाइज कर सको, वरना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बिना 1 महीने के. आया समझ में दोस्तों, दैट यू नीड एटलीस्ट अ मंथ टू एक्सपीरियंस इट. ठीक है, ओके, ये देखते हैं उन्मेश, ये क्या हो गया. द इम्प्रूवमेंट्स इन बिहेवियरल पैटर्न्स आर डिफिकल्ट टू जज एंड द मेथड्स यूज्ड ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट वर नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. एक तो ये डिफिकल्ट टू जज होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड्स नहीं थी. ठीक है, नहीं थी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखता ना. अगर डिफिकल्ट टू जज है तो इम्पॉसिबल टू जज तो नहीं है, है ना, और पूरी तरह कॉम्प्रहेंसिव नहीं थी तो थोड़ी तो थी, है ना, तो इट स्टिल लीव्स अस अ स्कोप. लेकिन बी डज नॉट लीव एनी स्कोप, बी कोई भी स्कोप नहीं रख रहा है. आया समझ में, यस, दैट बी इज नॉट लीविंग एनी स्कोप व्हाटसोएवर. ओके, यस. अच्छा गाइस, बिफोर वी मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, I have to talk to you about a very important thing. ठीक है, meditation and mental health. Now I see that there are so many students in this class right now, and all of you are going through a very important phase of your life, and that is known as preparing for a competitive exam. Most of you are only going to prepare फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दिस फेज, है ना. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आगे चल करके यूपीएससी का डिसाइड करे, जुडिशरी करने का डिसाइड करे या एमबीए करने का डिसाइड करे, तब शायद आपको ये फेज एक्सपीरियंस करने का एक और मौका मिलेगा. लेकिन आज आप एक ऐसे फेज में हो जिसमें आप कभी नहीं थे. ठीक है, यू हैव बीन स्टडिंग इन योर स्कूल, विच एवर स्कूल यू आर गोइंग टू, फ्रॉम नर्सरी, पिछले 15 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर, है ना, और आपने ढेर सारी एग्जाम दी, आपने हाफ ईयरली दी है, एनुअल एग्जाम दी है, बीच बीच में आपके दुनिया भर के 1000 प्रकार की एग्जाम होती है, तो यू आर वेल वर्स्ड विद एग्जाम. तो ये तो मुझे पता है कि एग्जाम से उतना नुकसान आपका नहीं होता है दिमाग का, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम देने की आदत हो गई. कोई फर्स्ट सेकंड में बच्चा होता तो उसको एग्जाम में डर लगता, तो एग्जाम से आपको डर नहीं लगता था, लेकिन स्कूल के एग्जाम से क्यों, क्योंकि वहां पे आपको परसेंटेज मिलते थे,
है ना, दोज वर नॉट लाइक द डू और डाई एग्जाम। जैसे क्लैट क्या है, आपकी डू और डाई एग्जाम है, क्लैट में आपका कैसा परफॉर्मेंस उससे डिसाइड होगा कि आपको एक एनएलयू मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट जितने मार्क्स है उस पर डिसाइड होगा कितना अच्छा एनएलयू मिलेगा। आप अपने जीवन के अगले 5 साल कहाँ पे बिताने वाले हो, वो एक दिन 2 घंटे में तय हो जाएगा। इट विल जस्ट बी 2 आवर्स एंड इट विल बी डिसाइडेड कि एग्जैक्टली आप अपने जीवन का अगला जो 5 साल है वो कहाँ बिताने वाले हो, है ना। तो इतनी छोटी सी बात होती है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि आपकी मेंटल हेल्थ इस दौरान सफर करे। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि आप लोगों के पास अच्छे पेरेंट्स हो, अच्छे ब्रदर सिस्टर हो, कोई ऐसा कजिन हो जिसने पहले से एग्जाम दी हो, है ना, और ऐसे में आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस पूरी सिचुएशन से डील करना आसान हो जाता है, बिकॉज देर आर पीपल यू कैन गो टू एंड स्पीक विद, है ना। तो जब कोई हमारे घर में बड़ा होता है या कोई भी होता है जो हमारी बातों को सुने, तो उसे हमें दिल में बहुत अच्छा लगता है, शांति लगती है। बट कई सारे बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कई सारे बच्चों के घर पे पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्लैट क्या होता है, क्लैट में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, या कोई समझने वाला नहीं होता है कि वो किस तरह के स्ट्रगल से जा रहे हैं। ऐसे में ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। क्लैट प्रिपरेशन में यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस जहाँ पे यू विल फील कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट अबाउट एवरीथिंग, माई मॉक स्कोर्स आर डिक्लाइन, और उससे मुझे लग रहा है कि मुझसे क्लैट नहीं हो पाएगा। देर आर फेजेस ऑफ सेल्फ डाउट, बाहर निकलने का मन नहीं करता है दोस्तों के साथ घूमने का, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार मैं बाहर जाऊंगा तब तो अनअकैडमी पे एक क्लास हो रही है, वो क्लास छूट जाएगी, है ना। और फिर जब घर पे बैठ करके क्लास करता हूँ तो क्लास करते वक्त मन नहीं लगता है, क्योंकि यार वो दोस्त क्या कर रहे होंगे, उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होगी, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ इश्यूज दैट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे 2015-16 में, तो मेरे साथ भी ये सारी चीजें चलती थी, है ना, कि क्या मैं दोस्तों के साथ एक लंबी वॉक पे चला जाऊँ या मैं 1-2 पैसे इंग्लिश स्कोर कर लूँ। तो इस तरह की सिचुएशन चलती रहती थी, कई बार मॉक स्कोर अच्छे नहीं आते थे तो ये सवाल भी होता था, है ना। मैं थोड़ा लकी था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चली और मुझे मॉक स्कोर अच्छे आते थे, तो मुझे ये पता था कि मुझे एनएलयू मिलेगा, है ना। आई वॉज वेरी श्योर ऑफ इट कि अनलेस क्लैट बहुत ज्यादा बेकार ना हो जाए तो मुझे ये श्योरिटी थी एनएलयू मिलेगा। लेकिन हम में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्कोर उस लायक नहीं आते हैं शुरू से, है ना, एंड दे आर अ लिटिल वरीड केयर कि हमको एनएलयू मिलेगा कि नहीं। और कई बार फिर मुझे इस तरह के सपने आते थे रात को कि क्लैट का पेपर हो रहा है और क्लैट के पेपर में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, या फिर पेन चलना बंद हो गया, मैं पेन लेकर के भूल गया हूँ, मेरी गाड़ी नहीं पहुंच पाई है। तो दिस आर कॉल्ड नाइटमेयर्स। इन लोग चीजों को हम क्या बोलते हैं, नाइटमेयर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये नाइटमेयर्स क्यों आते, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट क्लैट। आज से 2 साल पहले ये जो शब्द था क्लैट, ये आप यूज नहीं करते थे, है ना, आप ज्यादा सोचते भी नहीं थे इसके बारे में। लेकिन आज 2 साल बाद हम देखते हैं कि लाइफ में आप कम से कम दिन में 100 बार आपके साथ ये यूज होता है क्लैट, है ना, इतना सारा यूज होता है, 100 बार यूज होता है दिन भर। जब आप क्लैट 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 करते हो तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा हो जाता है कि ये आपको ओवरवेल्म करने लगता है। एंड एट दिस पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंश्योर कि आप खुद का ख्याल रखो, है ना। और देखो लाइफ में हम अब इतने बड़े हो चुके हैं, वी हैव अब ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एडल्टहुड, है ना, हमको कुछ समय बाद वोट देने का अधिकार हो जाएगा, ड्राइव करने का अधिकार हो जाएगा, तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार होंगे। तो यहाँ पर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के पास आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, कजिन्स हो, कुछ बच्चों के पास नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको सेल्फ केयर करना होगा। अब ये सेल्फ केयर कैसे करोगे, सेल्फ केयर के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले आई सीरियसली रिकमेंड कि आप लोग मेडिटेशन ट्राई करो, है ना। मेडिटेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप क्लैट कर रहे हो, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्किल। ऑफ मेडिटेशन से क्या क्या होता है, देखो मेडिटेशन से यू विल इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, ठीक है। आपकी जो ये बाउच होते हैं ना, जब आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, जब एकदम गंदा गंदा सा लगता है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अंदर से ग्लानी आ रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन आपको लेस इंटेंस फील करेगी एंड यू विल बिकम मोर लॉजिकल इन डीलिंग विद योर प्रॉब्लम्स। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसका देखो एक लॉजिकल सोल्यूशन होता है कि बुरा लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही तो पढ़ाई कर लो, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करना, खुद को बेड से निकाल करके सच में पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है ना, इट्स नॉट वेरी इजी, आसान नहीं है। तो आप अपने आप से बेहतर तरीके से लॉजिकली उस चीज को डील कर पाओगे।
तो इसलिए आई विल रिकमेंड मेडिटेशन आप लोगों को ट्राई करना चाहिए. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मेडिटेशन, है ना, एंड आई बीन ट्राइंग इट सिंस लास्ट ईयर. काफी रेगुलर बेसिस पर ट्राई कर रहा हूँ, इट इज हेल्प मी अलॉट, है ना, तो काफी हेल्प हुई. लेकिन मेडिटेशन करना क्या होता है कि यार बहुत आसान नहीं होता, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप मेडिटेशन कैसे करोगे. एक प्ले स्टोर पे फ्री ऐप होता है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, मेडिटो, ठीक है. तो एक मेडिटो करके ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड करो और उसके छोटे छोटे सेशन होते हैं 5 मिनट का, ठीक है, बस उसको लगा करके आराम से लेट जाओ, बैठ जाओ, जो करना है करो और वो जो बोल रहा है उसको मान लो, है ना. तो दे विल आस्क कि टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, योर थॉट्स विल कम, उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो क्या बोल रहा है. एंड दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस. क्या हम हमारे जीवन के 5 मिनट दे सकते हैं इसको, है ना. ओवर टाइम आपको रियलाइज होगा कि आप कितने अच्छे से अपने जीवन को इम्प्रूव कर रहे हो इन वेज दैट यू डू नॉट नो, ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, आप पिकअप एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी होगी हर दिन, है ना. तो इट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 20 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो. ये क्या हो सकता है, है ना, इट कैन बी जस्ट अ वॉक. आप घर से बाहर निकलो थोड़ा सा और वॉक पे चले जाओ, ठीक है. उस वॉक पे आप किसी से फोन पे बात कर सकते हो, गुनगुना सकते हो, ईयरफोन लगा करके गाने गा सकते हो, किसी दोस्त के साथ चले जा सकते हो, है ना, कोई स्पेशल दोस्त हो उसके साथ भी जा सकते हो, है ना. बस ध्यान रखना कि घर वाले ना देख ले, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी. लेकिन आप वॉक पे जा सकते हो, यू कैन गो ऑन अ रन, है ना. अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो रनिंग इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव. मैं कई बार ये करता हूँ, आई स्किप अ लॉट ऑफ रॉक, है ना. तो स्कीपिंग इज वेरी गुड, वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है और पसीना आता है. जब भी हम पसीना आता है तो इससे हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है. इसके अलावा क्या होता है, स्कीपिंग के अलावा यू कैन ऑल्सो डू पुशअप्स. दिस आर वेरी सिंपल एक्सरसाइज. आई एम नॉट आस्किंग यू टू ज्वाइन जिम, है ना, या कोई बहुत बड़ी योगा क्लास वगैरह का नहीं बोल रहा हूँ. ये बहुत ऐसे सिंपल चीज है जो हर इंसान कर सकता है ना. इसमें किसी तरह का खर्चा नहीं है. 1, 2, और 4 जो है उसमें तो कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए. स्कीपिंग रोप में 50-60 रुपए की रोप से आपका हो जाएगा, है ना. तो दिस आर नॉट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थिंग. ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो. लेकिन जब आप स्वेट आउट करते हो कभी भी, है ना, तो स्वेट आउट करने से क्या होता है, यू विल रियलाइज कि कितना इफेक्टिव तरीका है. जब भी आपको स्वेट आएगा तो इससे यू विल रिलीज एंडोर्फिन्स, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे. दिस आर नोन एज द हैप्पी हार्मोन्स. और ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, दे हेल्प यू अ लॉट. दिस जनरली इंप्रूव्स योर मूड, आपके वेलबींग को इंक्रीज करता है. और अगर आप किसी भी चीज को मुस्कुरा करके करते हो ना लाइफ में, तो वो जल्दी आपको याद भी होती है. तो अगर मैं इस क्लास को इस तरह से लूँ, ठीक है यार, जो करना है कर लो, और इस तरह से करूँ कि यार चीजें हो सकती है, तो यू विल फील मोर. आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा जब मैं स्माइल कर रहा हूँ, है ना. कई बार ऐसा होता है when I am not in a great mood, कुछ बेकार हो गया, तो कई बार लोग बोलते हैं, कई बार स्टूडेंट्स आके कमेंट कर देते हैं कि भैया आपको कुछ हुआ है क्या, क्योंकि यू ऑल्सो रियलाइज कि मेरा मूड कैसा है, है ना. और अगर मेरा मूड अच्छा है तो मेरी टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी. मेरा मूड अच्छा नहीं है तो भले ही मैं कितना ही पढ़ के आ गया, आई विल नॉट बी एबल टू कन्वे यू दैट. तो अगर टीचिंग इम्पैक्ट करती है स्माइल करने से, तो टीचिंग के अलावा स्टडिंग भी इम्पैक्ट करती है हमारे मूड के ऊपर. हमारा मूड अच्छा है, हम ज्यादा पढ़ेंगे. तो ये मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज इंश्योर कि ये 25 मिनट है ना, ये आधा घंटा ही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे. ये आधा घंटा आपके लाइफ में, आपकी क्लैट प्रिपरेशन में आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा. और ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, गिव अप करने के, छोड़ देने के चीजों के, वो आपको कम आएंगे. और आएंगे मतलब उनकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी. एंड तीसरा ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, रीच आउट. इन सब चीजों के बावजूद अगर ख्याल आए कि पढ़ाई खत्म करनी है, अगर लगे कि अब नहीं हो रहा है, डर लगने लगे, अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगो, तो रीच आउट टू पीपल, है ना. लोगों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे डर लगता है मेरा क्लैट नहीं होगा, एंड दे विल अंडरस्टैंड. वो आपको बताएंगे कि क्लैट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, और वो आपको बहुत ज्यादा जोश दे देगा, है ना. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीच आउट करो अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, है ना. जागृति ऐसा नहीं होता कि किसी के जीवन में कोई सुनने वाला नहीं होता. सिर्फ वी विल हैव टू ट्रस्ट, हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा. हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है टेलीग्राम पे, इतने सारे दोस्त हैं आप लोगों के, 5,000 मेंबर है यार हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बहुत सारे लोग हैं. आप बस विश्वास करके देखो, है ना. यहाँ पे क्या होगा, विश्वास करके देखो कि आप बोल दोगे कि यार, मान लो कि आपने किसी पे विश्वास कर लिया और उस इंसान को बोल दिया कि मुझे क्लैट से डर लगता है, और उसने आपकी ये बात पूरी दुनिया में फैला दी कि यार छी 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 जागृति को क्लैट से डर लगता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता.
सबको डर लगता है ना, जो क्लैट का टॉपर था उसको भी डर लगता था, उसको भी सपने आते थे। ठीक है, आई विल नॉट रिकमेंड कि ऐसी कोई ऐसी एक्टिव, जब रीच आउट करने की बात होती है ना मानस, रीच आउट टू पीपल, है ना। और जनरली मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव सीन पीपल आर गुड। हम एज ह्यूमन बींग्स, हम सिर्फ देखो इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, कुत्ते हैं, बिल्ली है, लोमड़ी है, शेर वगैरह सब कुछ है। सिर्फ ह्यूमन से को ऐसे इवॉल्व कर पाए, सिर्फ ह्यूमन इसलिए इवॉल्व कर पाए बिकॉज वी आर इनहेरेंटली गुड एट हार्ट। हम अच्छे लोग हैं, हमारा दिल अच्छा है, हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, है ना। ये तो बुरी बातें होती है हम जब बोलते हैं कि लोग सेल्फिश हैं। हमको थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा हमारे दुनिया में सबके प्रति, और हमको हेल्प सीक करनी पड़ेगी और थोड़ा सा विश्वास करना होगा लोग हेल्प करते हैं, है ना। आई हैव सीन पिछले 3 सालों में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ने आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों की हेल्प करी। कई सारे स्टूडेंट्स ने कितनी कितनी हेल्प करी है। हाँ, देर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्टेंस वेर दो लोग दोस्त बने, है ना, देवर टू बॉयज हु बिकेम फ्रेंड्स, देवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और एक लड़का जिसका उस समय तक फेज अच्छा नहीं चल रहा था, है ना, द अदर फ्रेंड ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर्स टू मीट हिम, है ना। उसने 100 किलोमीटर वो गया उसे मिलने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, और बोला कि यार मैं तेरे साथ रहूंगा आज, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो एंड रीच आउट का ये भी मतलब होगा कि इफ समवन इज रीचिंग आउट टू यू, वी मेक योर सेल्फ अवेलेबल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन क्लास नहीं कर पाओगे, है ना, एक क्लास मिस हो जाएगी, लेकिन किसी और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी हेल्प, आपको तभी हेल्प मिलेगी जब आप हेल्प करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर पाएंगे ना, ऐसे लोगों की, ऐसे स्टूडेंट्स की जो एक दूसरे को हेल्प करते, तो हमारी कम्युनिटी सबसे इफेक्टिव कम्युनिटी होगी और हम बहुत अच्छे से क्लैट कर पाएंगे। क्लैट प्रिपरेशन में बहुत बड़े रोल अदा करती है आपका मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है ना, अगर आप अपनी 100% मेंटल हेल्थ पे हो, तो आप क्लैट आराम से क्लियर कर जाओ। सिर्फ अपनी नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? ठीक है, और जागृति को ये बताने में कि डायरी लिख लो, एनिमल से बात कर लो, ये बोल दो यार कि मुझसे बात कर लो, कि जागृति तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे लिए, ये बोल सकते हो ना आप लोग कि जागृति तेरे पास कोई नहीं है, मैं तो हूं। क्या हो जाएगा, एक क्लैट एस्पिरेंट से तो बात करनी है। आया समझ में ना? तो आज मेरा ज्ञान ज्यादा हो गया, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता था बहुत दिनों से, तो मुझे कभी मौका नहीं मिल रहा था, आज मौका मिला, तो आई थॉट आई विल डिस्कस दिस विद यू। दिस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, है ना, लेकिन इस तरह की बातें कई बार होनी चाहिए। दिस आर रिमाइंडर्स की क्लैट प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टडी, है ना, इट्स ऑल्सो इट गोज बियॉन्ड अकेडमिक्स, अकेडमिक्स के भी बियॉन्ड ये जाती है। ठीक है, यस, ऑल राइट। और जब भी आपका, अच्छा मैं ये चाहूंगा आप लोगों से, है ना, कि आप लोग क्या करो, आप सिर्फ इस क्लास की लिंक को बुकमार्क कर लेना, अपने पास कहीं पे सेव करके रख लेना इस क्लास की लिंक को। उससे क्या होगा कि अगली बार जब भी आपको लगे ना कि क्या करना है, कंफ्यूज हो जाओ, तो एक बार इस पार्ट को देख लेना। ठीक है, तो दिस पार्ट विल स्टार्ट समवेयर अराउंड 65 मिनट, 1 hour 5 minutes पे शुरू होगा, 15 मिनट तक मैं बकवास कर रहा हूँ उसमें। ओके, यस स्वराज, देन इट्स अ लेसन इन इटसेल्फ। हमारे हार्डवर्क में कमी रही होगी या किसी और का वर्क हमारे हार्डवर्क से हार्डर रहा होगा। समवन मस्ट हैव वर्क हार्डर, राइट, दिस इज अ लेसन एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ बच्चे पास होंगे। द वन हु विल वर्क हार्डर विल विन। दिस इज हाउ लाइफ इज मेंट टू बी। ओके, यस, ठीक है, चलो आगे बढ़े। एंड आई ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड मेरे भी काफी रेगुलर सेशन होंगे जिसमें मैं, अच्छा मेरी एक पता है प्रॉब्लम ये है कि मैं कई सारे आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूँ, कई सारे आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूँ, उसमें आप लोगों के कभी मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखते, है ना। अधिकतम लोग पता नहीं क्यों अपने आप से डील करते हैं सारी प्रॉब्लम को। जब आपके पास स्टूडेंट, आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप उनसे बात करो,
किसी क्लास में आके ले आओ, हो सकता है उस क्लास में मैं मिस कर दूं उस क्वेश्चन को क्योंकि पढ़ाने का मटेरियल ज्यादा था, लेकिन दिन में 4 क्लासेस लेता हूँ यार, किसी क्लास में तो लूंगा, है ना। जब डाउट्स की बात आती है, और डाउट्स का मतलब प्रॉब्लम्स भी होती है, लाइफ की प्रॉब्लम्स भी होती है। हाँ, अगर आप ये पूछोगे कि भैया मेरे को कल डेट पे जाना है, मैं कल क्या पहन के जाऊँ, तो मैं उसमें आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है और इस तरह के सवाल में लेता नहीं, लेकिन बाकी चीजें तो आप पूछ सकते हो यार, जितना हो सकेगा उतनी तो मदद करने की कोशिश करूंगा, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जस्ट बिलीव इन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल। मुझे ऐसा लगा है, देखो आई हैव हैड माई ओन शेयर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव ब्रोकन ऑफ माई ट्रस्ट, जहाँ पे लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, सब कुछ करा है, लेकिन उससे ये नहीं होता कि हम लोग बुरे हैं जनरली एज्यूम करने लग जाए। वी स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, वी स्टार्ट बिलीविंग दैट पीपल आर गुड, थिंग्स विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, बहुत चीजें इम्प्रूव होती है। ठीक है यार, बस ये क्लास तो बहुत ज्यादा ओवर हो गई है जागृति, है ना, तो वी विल डेफिनेटली टेक इट इन मिशन, मैं मिशन में आपकी शुरुआत में ही दूंगा रिजल्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि वापस से हम एकेडमिक चीजों पर आ जाएं, वरना आप लोग बोलोगे कि ये इंसान ज्ञान देता है। ओके Okay, I'm giving the poll, just a second. मानस, उन्मेष, दुर्विश, जया, जयशिव, आयुष, ऋतिक, स्वराज, प्रियंका एंड सारा, वेरी वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मोस्ट लॉजिकली कंप्लीट्स द रीजनिंग इन द पैसेज। कैनियंस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड केशव नट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर अ लो कॉस्ट सप्लाई फॉर डोमेस्टिक प्रोसेसिंग प्लांट। तो केशव नट्स क्या होते हैं? काजू। इन्होंने क्या करा कि काजू के दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप एक्सपोर्ट कर लो, है ना, या फिर आप डोमेस्टिकली बेचो। तो इनको बोल दिया कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो विलेज से ये कहाँ चले जाते हैं? सिटी में, और सिटी में ढेर सारे प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां पर ये काजू की प्रोसेसिंग होती है ना। इससे क्या होता है कि पॉलिसी से फार्म इनकम कम हो जाती है, क्योंकि अब फार्म इनकम कम हुई क्यों हो गई? क्योंकि आप इसको प्रॉफिटेबली ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि इससे क्या होता है, अर्बन एरियाज में प्रोसेसिंग प्लांट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना, और अगर हमने ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी तो आप सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर दोगे और प्रोसेसिंग प्लांट के पास केशो नहीं आएगा तो वो आखिर प्रोसेस क्या करेगा? ठीक है, तो ऑथर कह रहा है, लेकिन इससे ये हो सकता है कि पॉलिसी में एक्चुअली हैव कंट्रीब्यूटेड टू
अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, कि इससे क्या होगा कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट शायद बढ़ गई होगी। अब ये कैसे बढ़ सकती है, आपको समझ में आया कि जो काजू था मैं तो डोमेस्टिकली सप्लाई कर सकता था या मैं एक्सपोर्ट कर सकता था। मैं अगर एक्सपोर्ट कर देता तो ये कहाँ होता, बाहर प्रोसेस होता है ना, लेकिन जब मैं डोमेस्टिकली कर रहा हूँ तो ये इंडिया में ही प्रोसेस हो रहा है, और इंडिया में प्रोसेस होने के कारण इंडिया में अर्बन एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। कैसे? क्योंकि अ लैक ऑफ प्रॉफिटेबल क्रॉप इज ड्राइविंग मेनी स्मॉल कैश्यू फार्मर इन कर्नलैंड ऑफ द लैंड एंड इन टू द सिटीज। ये भी हो सकता है ना कि अब उनको डोमेस्टिकली सप्लाई करने में पैसा ही नहीं मिल रहा, तो वो अपनी लैंड से खत्म करके खेती वगैरह सड़क पे आ रहे हैं, और सॉरी सिटी पे आ रहे हैं, और सिटी पे आकर के वह अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं। आया समझ में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, इट्स ऑलमोस्ट 5:30 नाउ। ऑप्शन डी समझा दूं और बी समझा देता हूं, ठीक है? बीओडी क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ केशू प्रोसेसिंग आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कर्नलैंड सिटीज। बी बोल रहा है कि इसके बाय प्रोडक्ट को हम अलग जगह और भी यूज करते हैं, तो अगर हम और अलग जगह भी यूज करते हैं दोस्तों तो ये तो क्या बात हो गई। दिस वुड मीन कि क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे हमने और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कम करता है, तो इसमें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। डी, द इनकम अर्न बाय वर्कर्स इन द प्रोसेसिंग प्लांट इज जनरली ग्रेटर देन द इनकम अर्न बाय एग्रीकल्चरल लेबर इन रूरल एरियाज। तो ये तो अच्छी बात है कि प्रोसेसिंग प्लांट में एम्प्लॉयमेंट है और वहां पे लोग ज्यादा कमा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है जागृति? बुराई तो तभी हो सकती है ना कि केशु फार्मर को केशु नहीं उगाने को मिल रहा है, तब ही इज मूविंग टू अदर एरियाज और वहां पे उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राइट, आया समझ में? ठीक yes. So, all right, with this, we come to the end of the class. Let's crack it. An academy, let's crack it. Have a great day and we will meet again. Okay, thanks a lot. I'll show you the leaderboard now. Here is the leaderboard. And by the way, if you are in Delhi, I'll show you that thing again today. कि आप लोग दिल्ली में मुझसे मिल सकते हो। तो इस बार दिल्ली में मैं आ रहा हूँ आपके पास 26 मार्च 2023 को, तो प्लीज फील फ्री टू मीट मी, है ना। और आपको इस बार मैं आपके लिए यूए की मर्चेंडाइज भी ला रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर यू। साथ ही में आपके लिए MHCET लॉ एग्जाम के कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट हमने प्रिपेयर करे, है ना। तो दिस आर फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर MHCET एग्जाम। लेवल अप इज अ फाउंडेशन बैच फॉर क्लैट एंड आईएलटीएस 2024 एस्पिरेंट्स, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और MHCET का क्रैश कोर्स अब आप ले सकते हो, लॉ विस्तारा को भी आप स्टोर पे खरीद सकते हो। फिर एक बहुत जल्द हम ड्रॉपर्स बैच लेकर के आ रहे हैं क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सब चीजों की पढ़ाई आपके साथ की जाएगी। ऑल राइट गाइज, तो इसी के साथ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। लेट्स क्रैक इट, अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हैव अ ग्रेट डे एंड वी विल मीट अगेन। ओके, यस। आज मैंने एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के मॉक दिए, उसमें ओनली 60 अटेम्प्ट हुए, सिर्फ 20 गॉट करेक्ट के बाद। हाँ प्रशांत, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से हमको देखना चाहिए कि एटलीस्ट हमको पता चला हमारी मिस्टेक्स क्या है। अगर इस तरह का क्लैट आता है तो हम गलत करके आएंगे, तो सिर्फ उस मॉक को एनालिसिस करो और समझो कि कहाँ पे गलती हुई है और उन गलती को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जो खराब कर दिया, टाइम मैनेजमेंट गलत कर पाए, क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना। हाँ मतलब अकाउंट में फेल हो जाए और पास मार्कशीट भी मिल जाए, मतलब हर्ष बोल क्या, मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आप फेल हो गए तो पास मार्कशीट कैसे मिल रही है आपको? देखो एनएलयू आपकी मार्कशीट देखेगा, उसमें अगर पास लिखा है तो फिर वो पास ही माना जाएगा। ठीक है, एक बार प्रशांत उनको आराम से मॉक के बाहर आप पढ़ने की कोशिश करो कि क्या आपको समझ में आ रहा है। वाज इट प्रेशर दैट डिसेबल्ड यू फ्रॉम स्टडिंग इट? ऑलराइट गाइस, अब